वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड माय एम्स टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। मैं आपके सामने ये सारे के सारे 18 टॉपिक कराऊंगा। ये आपको मैं हर जब भी पढ़ाऊंगा याद कराऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा याद कराऊंगा। तो मतलब मैं भी आपको ओशन करंट कराने वाला हूं और आपको मैं साथ साथ याद भी कराऊंगा। इस बात को आपको समझना है। अब दूसरी बात ये कि यार मैं सारा कुछ ये फ्री में पढ़ा रहा हूं, एकदम फ्री। ये 18 के 18 टॉपिक फिजिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों चीजें रखते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप डेली पढ़ें, तभी आपको फायदा है। क्योंकि मैं हर दिन 3 टॉपिक कराऊंगा और यहां पर टोटल 6 दिन में मैं आपको 18 टॉपिक करा दूंगा। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, मैं तो आपको याद करा के छोड़ दूंगा, क्लियर है। पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पे। अगर आपको मेरे साथ अनअकैडमी फ्री पे पढ़ना है तो आपके पास टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए और अनअकैडमी की ऐप होनी चाहिए। जब आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप टेलीग्राम पर एक शेड्यूल आते हुए देखोगे, वो आएगा कि भैया 9 बजे क्लास है। यहां पर आपको ऐसे देखेगा 9 बजे क्लास है और आप ज्वाइन कर लो। दिन में सिर्फ एक क्लास लेता हूं, आप सारी पढ़ाई कर लो, बस रात में मेरे से मिल लो, मैं आपका याद करा दूंगा और आपको ड्रास्टिकली 5 से 6 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट दिखेगा। चाहे आप NDA या CDS दोनों में से किसी की तैयारी कर रहे हो, और 5-6 नंबर बहुत होते हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होते हैं। 5-6 नंबर कह रहा हूं, 5-6 क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये 6 क्वेश्चन GAT की बात करें तो 24 नंबर बैठ गए और यहां पर करीबन 4 या 3 नंबर के आसपास आपके GS में बैठ गए। तो बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर, क्लियर है। अब देखिए यहां पर जैसे मैं फ्री करा रहा हूं पास्ट ईयर, ये लोग भी फ्री करा रहे हैं अनअकैडमी पे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। NDA PYQ और यहां पर है CDS PYQ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब सीधे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ओशन करंट था हमारा, ओशन करंट आपको एक क्वेश्चन आता है, CDS में भी आया है, NDA में भी आया है, SCCGL में भी आया है, पता नहीं कितने एग्जाम में आया है, बहुत एग्जाम में आया है, कि बताइए ओशन करंट डिपेंड किस पे करते हैं। तो देखिए 6 फैक्टर है, मैं 6 फैक्टर आपको याद कराता हूं। और पहली बात तो समझिए, ये 6 फैक्टर ना हर किसी पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये आप पे भी डिपेंड करते हैं। एक जो आपने स्नेल देखा होगा ना, स्नेल होता है, इसके शेल होता है, यहां पर ऐसा कुछ दिखता है वो, ठीक है, उस नेल पे भी डिपेंड करते हैं, चींटी पे भी डिपेंड करते हैं, हर किसी पे। कैसे, मैं बताता हूं। आप एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या आपको अनकंफर्टेबल होगा? हाँ होगा, ओशन को भी अनकंफर्टेबल लगता है। अगर मान लीजिए आपके खाने में नमक बढ़ा दूं या नमक कम कर दूं तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल है। अगर मान लीजिए आपके सामने एक फिजिक, देखो इसको फिजियोग्राफी छोड़ दो, फिजिक मतलब एक तगड़ा आदमी, 16 इंच के डोले, 6 फिट का आदमी, ऐसा लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी मैं इसके सामने रख दूं, बहुत बड़ा, ठीक है, तो यहां पर इस आदमी को अनकंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? भाई पीट पीट ना दे, बहुत बड़ा आदमी रख दिया मैंने इसके आगे, डोले वोले निकल रहे हैं इसके, ठीक है, सिक्स पैक वाला आदमी है ये, तो ये इसको पीट देगा या नहीं पीट देगा? तो इसके लिए अनकंफर्टेबल है। ऐसे ही आपका ओशन में भी होता है। ओशन में फिजियोग्राफी क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपने बचपन से लेके आज तक मूवीज में या रियलिटी में देखा होगा, समुद्र के पास पत्थर पड़े रहते हैं, देखे आपने पत्थर, वो लहरें ऐसे टकराती हैं और टकरा के या तो ये यूं चली जाती हैं या यूं चली जाती हैं या यहां से वापस चली जाती हैं, क्लियर है। 3 चीजें होती हैं, या तो इधर जाएगी या वापस आ जाएगी, 3, ये होती है फिजियोग्राफी कि टकरा के लहरें कहां जाएंगी, इसे कहते हैं फिजियोग्राफी। दोबारा बोल रहा हूं, टकरा के लहरें कहां जाएंगी, इसे कहते हैं फिजियोग्राफी। अब आती है डेंसिटी। भाई एक बात बताओ, सिंपल सिंपल बात, अगर तुम्हें मैं मोटा कर दूं, अगर मैं तुम्हें मोटा कर दूं, क्या तुम अनकंफर्टेबल नहीं होगे? मोटे आदमी को ना तो लड़की मिलेगी, ठीक है, मोटे आदमी को चलने फिरने में बैठने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये डेंसिटी ऐसे ही होती है। पानी में कैसे काम करती है मैं अभी बताऊंगा, ओशन में कैसे काम करती है, 2 मिनट रुक जाए। फिर आती है फोर्स। एक बार कोरोलिस फोर्स को हटा देते हैं, कोरोलिस वर्ड को हटा देते हैं, खाली फोर्स पे फोकस करते हैं। अगर मैं ऐसे धक्का मारूंगा बार बार तो इसे अनकंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और लास्ट से ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी हटा दूं या ग्रेविटी ज्यादा कर दूं तो इंसान को फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा? तो आपको हमेशा याद रखना है कि भैया ग्रेविटी को मिलाकर ये बाकी 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, बच्चे नहीं बता पाते, बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आता और ये भी नहीं समझ में आता कि ये दोनों चीजें कैसे डिपेंडेंट है। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, पहले आप समझ जाइए, याद हो गया होगा कि भैया दुनिया में कोई भी चीज हो, उसको अनकंफर्टेबल करना हो या उसको हिलाना हो उसकी जगह से, तो ये 6 चीजें हैं, क्लियर है। चलिए कमेंट सेक्शन में ना अपनी बातें लिखते रहा करो कि यार मुझे ये टॉपिक सीखना है वो। अब भैया ये मान लो 18 टॉपिक है, इनके आगे 19-20 भी तो हो सकते हैं, आपको लग रहा हो भाई ये टॉपिक मिसिंग है, तो आप लोग अपनी मर्जी से लिख देना, मैं आपको वादा दे रहा हूं आपको मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। चलो अभी देखो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की।
टेम्परेचर की, ठीक है। अभी मान लो ये एक छत है, मैं एक मिनट छत बनाता हूँ, एक सेकंड, मैंने गलती से रबड़ उठा ली थी, हाँ। तो ये एक छत है और यहाँ पर एक पानी का पैच पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये पानी का पैच है। ये हमारे सूरज भाई साहब हैं, ये हमारे सूरज भाई साहब हैं। सूरज भाई साहब जब रोशनी अपनी डालेंगे तो ये रोशनी करीबन इस एरिया पे जाएगी, एग्री, यह एरिया सूख जाएगा। तो एक बात बताइए, क्या ये पानी इधर की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये हमारी धरती के साथ भी होता है, जब धरती में एक जगह दिन होता है, डे होता है, तो दूसरी जगह नाइट भी तो होती है। तो सूरज क्या करता है, पानी इवेपोरेट करवाता है, तो यहां से पानी इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये होता है ओशन करंट का मूवमेंट इस तरफ, मतलब समुद्र की लहरें अब यहां से यहां की तरफ जाएंगी, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ्ट कैसे भी कह लो, मतलब जहां पर पानी की कमी है वहां पहुंच जाएंगी, क्लियर है? तो ये हो गया टेम्परेचर का खेल। अब आते हैं सेलिनिटी पे। देखिए सेलिनिटी कैसे होती है, देखिए पहली बात तो आपको समझना चाहिए, समुद्र का जो नीचे का बॉटम होता है, समुद्र का जो नीचे का बॉटम होता है उसमें बहुत सॉल्ट होता है। अभी आपको समझ में आएगा सॉल्ट बहुत ज्यादा क्यों होता है। देखिए जब भी कोई आइस जमती है, जब भी कोई, द्वारा बोल रहा हूं, आइस जमती है, ध्यान से सुनिए, नजरें एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद भी करा रहा हूं। आइस जब भी जमती है तो वो नमक को कभी नहीं जमाती, सॉल्ट को कभी नहीं जमाती। मतलब जब ये पूरा आइस क्यूब जमा होगा, मतलब आइसबर्ग जमा होगा, तो उसने नमक नीचे गेर दिया होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो सर ये सेलिनिटी के कारण, मतलब नमकीन कारण क्या, मतलब नमकीन की वजह से लहरें यूं क्यों जाती? अब जरा एक काम करते हैं, एक मिनट को नमक को भूल जाते हैं, नमक नाम की कोई चीज है। मैं कहता हूं मैं समुद्र में कूड़ा डाल रहा हूं, तो मैं अगर बहुत सारा कूड़ा डालूंगा तो लहरें किधर की तरफ जाएंगी? इधर की तरफ। या आप एक समझ लो, मैं और आपको समझाता हूं, मैं यहां पर रेत डाल रहा हूं, रेत नमक जैसी होती है, अगर यहां पर बहुत रेत डाल दूंगा तो पानी किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ। बात समझ में आई? तो जो पोल वाला एरिया होता है, पानी उस तरफ भेजता है जहां पर आइसबर्ग कम हो, जहां पर बर्फ कम जमी हो, क्योंकि उस एरिया में नमक बहुत कम होता है, तो जो पानी की लहरें होती हैं उस तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, क्लियर है? अब एक बात और समझते हैं, तीसरा कारण क्या है, देखिए इसी में देखिए, मान लो आपके ग्लास में पानी रखा है, अब मैं इसमें आइस क्यूब डाल दूं तो पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक पूरा आइसबर्ग डाल दूंगा तो पानी कहीं शिफ्ट तो होगा। चलो एक और बात बोलता हूं, ध्यान सुनो मेरी बात, नजरें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए, कुछ मत करो, स्क्रीन पे देखो बस। अगर मान लो यहां पर एक पूरा का पूरा स्विमिंग पूल है, इसमें एक मोटा आदमी ऐसा गिर गया, तो पानी तो भैया डिस्प्लेस होगा ना, यहां से उठ के उधर जाएगा, ऐसे जाएगा। बात क्लियर है ना? हाँ, अब बात समझ में आ गई तुम्हें। तो मैं तुम्हें ये वाली बात समझा दिया, ये बात समझा दी, ठीक है। अब तुम्हें ग्रेविटी की कहानी में दो बातें हैं, एक तो मून है, आपको पता होना चाहिए जो चांद होता है ना, मैं अब डिटेल में बात नहीं करूंगा, पर जो मून होता है आसमान में, वो लहरों को कंट्रोल करता है, वो अपनी ग्रेविटी से कंट्रोल कर लेता है कि कभी नीचे होंगी कभी ऊपर होंगी। नॉर्मली उसे हम लो टाइड हाई टाइड कहते हैं, ठीक है, कि लहरें यहां पर कम है, यहां पर लहरें ज्यादा है। अब इसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी, फिर कभी, अभी नहीं डिस्कस करेंगे कि कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि एग्जाम में अभी इतनी, मतलब अभी तो हम याद कर रहे हैं ना, रटने वाला काम कर रहे हैं, तो हम उसको थ्योरी वाली बात नहीं करेंगे, बस आप याद कर लीजिए कि चांद से लहरें कंट्रोल होती हैं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको ये समझा दिया, ये और ये बचा है। फिजियोग्राफी में आपको दोबारा समझा दे रहा हूं, मान लो ये समुद्र है पूरा, इसकी लहरों के लिए मैंने यहां पर पत्थर डाल दिया, यहां पर एक पत्थर है, एक समुद्र का मतलब क्या कहते हैं, सी का एक एंड है, मान लो यहां पर इंडिया है। अब इंडिया से जब लहरें टकराएंगी तो टकरा के या तो इधर जाएंगी या वापस चली जाएंगी, यही होगा, इसी को कहते हैं फिजियोग्राफी, कि भैया कोई फिजिकल चीज पड़ी है, उससे लहरें टकरा रही हैं और टकरा के इधर इधर हो जा रही हैं, उसे हम कहते हैं फिजियोग्राफी, क्लियर है। अब लास्ट चीज पे आते हैं, जिस पे हमारी पूरी कहानी डिपेंड होगी और जिसके नाम पर हम ओशन करंट पढ़ने वाले हैं। ओशन करंट आपको समझ में आ गया होगा, हम वेव को कहते हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं हम उन्हें कहते हैं, लहरें बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्लियर है। चलिए अब जरा ये लहरें आ रही हैं, तो यहां पर कोरिओलिस फोर्स की बात करते हैं। कोरिओलिस फोर्स क्या होता है, देखिए आपने बॉल देखी होगी एक, ध्यान से सुनिए, नजरें स्क्रीन पे एकदम, कुछ मत कीजिए, सिर्फ स्क्रीन पे देखिए। आपके सामने जब एक पानी में डूबी हुई बॉल या कीचड़ में डूबी हुई बॉल आप अगर फेंकोगे तो ऐसे ऐसे लहरें आएंगी, मतलब ऐसे ऐसे वो पानी फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, जल्दी बताओ। हाँ फेंकेगा यार,
बिल्कुल फेंकेगा सर, बिल्कुल फेंकेगा। तो ये जो पानी फेंक रहा है कोर वर्सेस फोर्स की वजह से फेंक रहा है, क्लियर है। अब जरा नोटिस करना, कभी अगर बॉल इधर जा रही है तो ये पानी पीछे की तरफ फेंक रहा है। अगर अभी भी समझ नहीं आया मेरी बात तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कभी साइकिल चलाई है? तो जब साइकिल में कीचड़ उछलती है तो कीचड़ इधर की तरफ उछलती है जबकि साइकिल आगे की तरफ जा रही है। जो जिसका पहिया होता है कीचड़ पीछे की तरफ फेंकता है जबकि ये आगे जा रहा होता है। तो ये जो फोर्सेस होंगी, अभी देखिए धरती जो घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब इधर की तरफ घूम रही है, इधर की आगे की तरफ, पर जो फोर्सेस निकलेंगी वो इधर की तरफ निकलेंगी। बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लिखा करो यार। बढ़िया समझ में आ रहा है यार, मजा आ गया। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ तो करो, तभी तो मुझे पता लगेगा कि भाई तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो फोर्सेस होंगी इस तरफ लगेंगी। बात समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया एकदम। अब आप मेरी एक बात समझो जरा, अगर मान लो जब धरती घूम रही है तो लहरें अगर इधर की तरफ आ रही हैं, तो मैंने बताया था लहरें टकराएंगी। अब देखो ध्यान से, देखो मेरी बात ध्यान से, एकदम ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जब यहां से ये वाली एक लहर टकरा रही है, ठीक है ना, एक लहर है यहां पर, ये देखो एक लहर है, ये वाली दिख रही है आपको, ये टकराई इससे, टकराई इस वाले एरिया से, तो ये यू मुड़ जाएगी। हाँ सर, क्या कारण है? फिजियोग्राफी सर, फिजियोग्राफी आपने बताया था। हाँ मुझे याद आ गया, एक पत्थर है वो फिजिकल चीज से टकराएगी, या तो लहरें इधर जाएंगी या इधर जाएंगी या पीछे की तरफ जाएंगी, है ना। तो सर देखो ये लहरें इधर की तरफ चली गई क्योंकि यहां पर भी एक जगह है, यहां पर भी है, तो बट ऑब्वियसली ऐसे ही घूम जाएंगी ज्यादातर सारी लहरें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी बात क्लियर हो गई कि ये लहरें यहां आ गई। सर ये इक्विटोरियल क्या लिखा हुआ है? अब जरा नोटिस करो, आप जरा ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कि इक्वेटोरियल वर्ड यहां पर भी लिखा है, इक्वेटोरियल वर्ड यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है। तो जो देखो दो एरो बनाता हूं, ये हो गई नॉर्थ इक्वेटोरियल, इससे हम कहेंगे साउथ इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रही है? जो इक्वेटर के ऊपर होगी लहरें उसे हम कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल और इसे हम कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया है भाई, लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो, तभी मुझे पता लगता है तुमको समझ में आ रहा है। बताया करो कि सर बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। मैं ज्यादा वीडियोस नहीं लाता है, मुझे डर लगता है, पता नहीं है इंटरव्यू के अलावा पता नहीं ये चीजें पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, मैं तो इंटरव्यू करता रहता हूं, ठीक है। चलो अब जब ये लहरें टकराई तो ये ऐसे मुड़ेंगी, जब ये ऐसे मुड़ेंगी तो हम ये क्या होंगी, क्रोशियो करंट, क्या होंगी ये, क्रोशियो करंट। बात समझ में आ रही है? अब इसे हम क्रोशियो करंट को याद कैसे करेंगे भाई, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं याद भी कराऊंगा, तो क्रोशियो करंट को हम याद कैसे करेंगे? हम याद करेंगे कुरकुरे करंट, कुरकुरे करंट। अब देखिए यहां पर शियो आ रखा है और यहां पर देखना यहां पर भी शियो आ रखा है, इसे कहेंगे ओयो करंट और लास्ट में लगा दिए ओयशियो करंट, आपको याद रहेगा, सिर्फ मुझे आपको मतलब रिकॉल करवाना है। तो आप कुरकुरे कमेंट, कुरकुरे करंट, कुरकुरे कमेंट करंट से भी याद रख सकते हो और ओयो करंट से भी याद रख सकते हो, याद करना आसान काम है, ठीक है ना, एग्जाम में पहचान में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई सर, अब एक बात समझ में नहीं आई, चलो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि यहां पर ये वाली लहरें यहां से आ गई, ये कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, आया ना मन में सवाल। देखो यहां पर भी आ रही है एक ऐसी, देख रहे हो यहां पर भी आ रही है, देखो यहां नीचे से भी दिखेगी एक, ये देखो यहां से दिख रही है, ये कहां से आ कहां से रही है, ये सारी ब्लू ब्लू रंग की है। मैं बताता हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ध्यान सुनो। अब जरा मुझे एक बात लॉजिक के साथ बताओ, मान लो ये पानी की एक बोतल है, ठंडी 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 ठंडी, ये पानी की एक बोतल है, इस पानी के बोतल के आसपास आपको हवा ठंडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जल्दी बताओ, या आसपास की चीजों को ठंडा करेगी नहीं करेगी। अब यहां पर ऐसे ही नॉर्थ पोल है और यहां पर ऐसे ही साउथ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल से ठंडी हवाएं इस तरफ जाएंगी और साउथ पोल से ठंडी हवाएं इस तरफ जाएंगी, यही तो हो रहा है यहां पर। अब आगे लॉजिक समझ में, अब आप जरा समझो मेरी बात ध्यान से, दोबारा बता दे रहा हूं। तो ओयोशो करंट कहां से आ रही है, ओयोशो करंट कहां से आ रही है सर, ये नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ पोल से, क्लियर है, ओके। अब मैं यहां पर आपको तीन चीजें बताऊंगा, मेरी बात ध्यान सुनो बहुत ध्यान से, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी धरती पे तीन बेस्ट फिशिंग जोन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तीन बेस्ट फिशिंग जोन है, तो एक तो यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, ठीक है,
ये याद रखना है आपको, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, मैं आपको समझाऊंगा ये फिशिंग जोन बन कैसे रहे हैं, आपको समझाऊंगा। दूसरी बात एक आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनो मेरी बात, नजरें एकदम स्क्रीन पर टिकी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए भाई पढ़ा कैसा रहा हूं मैं, क्लियर है ना। ये सारी दो बातें मुझे पता होनी चाहिए। देखो यहां पर डेजर्ट है, आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए यहां पर सहारा डेजर्ट है, आपको पता होना चाहिए ये वाला एरिया भी डेजर्टेड है, आपको ये भी पता होना चाहिए ये वाला एरिया भी डेजर्टेड है। सर अब एक बात समझ नहीं आई, ये अच्छा यहां पर भी देखो, यहां पर भी जो एरिया है डेजर्टेड है, इन सब जगह में वेस्ट की जगह ही डेजर्ट है, वेस्ट की जगह ही डेजर्ट है, आप एग्री कर रहे हो यहां पर, आपको पता होना चाहिए। ये बात भी मैं समझाऊंगा, दो बातें समझाऊंगा, एक होगा फिशिंग जोन और दूसरा होगा डेजर्ट कैसे बन रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सब लोगों के दिमाग के खोपड़े एकदम एकदम चालू होने चाहिए। अगर हाथ सिर पे रखा हुआ है ना तो उसको हटा दो, उसे मैं कहता हूं कंप्यूटर स्विच ऑफ, अगर हाथ आपने सिर पे रखा हुआ है उसको हटा दो, कंप्यूटर स्विच ऑफ कहता हूं मैं उसे, तो वहां से आप हटा दो, पेन पेपर लेके बैठे रहो बस, ठीक है ना, अगर कुछ तुम्हें नोट करना है, अदरवाइज स्क्रीन पे एकदम ध्यान से नोटिस करो, सब समझ में आएगा। ओके, तो अब नॉर्थ पोल से एक करंट आई, साउथ पोल से एक करंट आई, ठीक है, ये दोनों टकराई, टकरा के यहां पर फिशिंग जोन बन गया। क्यों बन गया, अब एक बात सोचो भाई, एक गाड़ी यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, ये भी एक गाड़ी है, ठीक है ना, ये दोनों गाड़ी आ रही है, एक इधर से एक इधर से, जब टकराएंगी तो माहौल रुक नहीं जाएगा, सब लोग रुक नहीं जाएंगे, तो यही तो हो रहा है। अब देखिए ओशो करंट की खास बात क्या थी, ये अपने साथ लहरों के साथ कुछ मछलियां लेकर आ रहा होगा, ये भी अपने लहरों के साथ मछलियां लेकर आ रहा होगा, दोनों टकरा गए तो मछलियां यहीं पर रह गई, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, इसलिए यहां पर मछलियों का जोन होगा। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर मछली का जोन क्यों बना, क्लियर है। अब यहां से जरा हम आगे चलते हैं, यहां पर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। अब दूसरी बात जो हमें समझनी है कि यार ये क्या है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक हॉट कप है कॉफी का, किसका, कॉफी का कप है, और यहां पर मेरे पास रखी है आइस, तो क्या ये आइस इस कॉफी के मग को पूरा ठंडा कर देगी, मतलब -30 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं सर, ये टेम्परेचर गिरा देगी। मान लो अगर ये मग 110 डिग्री सेल्सियस का है तो ये गिर गिरा के 50 का हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो जाएगा ना, तो यही हो रहा है यहां पर। हो क्या रहा है, जो यहां पर क्रोशियो करंट थी, क्या थी, क्रोशियो करंट, ये यहां पर ठंडी हवाओं से टकराई तो ये टकराकर एक दूसरी हवा बन गई, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये हवा इधर आ रही है, देखो ये नॉर्थ पैसिफिक दिख रही है, ये फिर इस लैंडमार्क से टकराई तो आधी इधर टूट गई और आधी इधर टूट गई, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जब ये टकराती है तो दो करंट बनाती है, अलास्का करंट एंड कैलिफोर्निया करंट, क्या बनाती है, अलास्का और कैलिफोर्निया करंट। इसे अलास्का क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है ये वाला, इसे अलास्का ही कहते हैं। इसे कैलिफोर्निया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये पूरा कैलिफोर्निया ही है, इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। आई होप याद करने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, क्लियर है। चलिए यहां तक की बात हमें समझ में आ गई है सर। अब मेरे को बताओ सर, वार्म करंट और कोल्ड करंट में फर्क क्या होता है, वार्म मतलब गर्म हवाएं वाला करंट और कोल्ड मतलब ठंडी हवा वाला करंट। एक बात आपको याद रखनी है, जो कोल्ड करंट होता है वो कभी बारिश नहीं करा सकता, कोल्ड करंट में पानी नहीं होता है, वार्म करंट में पानी होता है, समझ लो। मान लो मैं आपको समझाता हूं, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूं, अभी आपको दो मिनट में समझ में आएगा। आपको पता है ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है आपको, अब एक नॉर्थ इक्वेटोरियल की हवा यहां से आ रही होगी तो ये इंडिया में ऐसे घूम जाएगी, दूसरी यूं आ रही होगी वो यूं घूम जाएगी, एग्री भाई, समझ में आ रहा होगा आपको, दोबारा बना के दिखा देता हूं, मेरी बात ध्यान सुन लो, बहुत प्यार से समझ में आएगा, ध्यान से बस, नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। यहां से इक्वेटोरियल हवा आ रही होगी वो यूं घूम जाएगी, यहां से हवा आ रही होगी वो यूं घूम जाएगी, जब दोनों जगह घूमेगी तो यहां पर ये गर्म हवा होगी, वार्म करंट, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो नॉर्थ इक्वेटोरियल है, तो यहां पर बारिश हो जाती है, इसे हम कह देते हैं मानसून। अब होता क्या है, गर्म हवा में ताकत क्या है, पानी अपनी तरफ खींच ले कैसे, इवेपोरेट करके, जैसे सूरज खींच लेता ना पानी इवेपोरेट करके, ऐसे ही खींच लेती हैं, फिर जब ये खींच लेती हैं तो ये जहां पर पानी नहीं होता वहां पर दे आती है, ये जादू होता है हमारा वार्म करंट में, बात समझ में आ रही है आपको, किसमें होता है जादू, वार्म करंट में, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा बोल दे रहा हूं, वार्म करंट बारिश कर सकती है, वार्म करंट बारिश कर सकती है, कोल्ड करंट बारिश नहीं कर सकती, इन पे ताकत नहीं है, नो बारिश, क्लियर है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब मेरी बात आगे बढ़े जरा,
ओके तो हमारे पास एक थी यहाँ पर कुरुशो करंट, ये टकराई ओयोशो से, यहाँ पर फिशिंग जोन बनाया, यहाँ नॉर्थ पैसिफिक से था, ये यहाँ इधर आ गई, आने के बाद इसने दो करंट बनाए अलास्का कैलिफोर्निया। अब ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट कोस्टल ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, यहाँ पर गर्म हवा आई। दूसरा आता है यहाँ पर ये वेस्ट कोस्टल ऑस्ट्रेलियन करंट, ये यहाँ पर इस वाली ठंडी हवाओं से टकराता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट से, और टकरा के यहाँ पर ये एक ऐसे एरो बन जाता है, और देखो ये एरो यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है, और ये एरो यहाँ से एक ठंडी हवा का जनरेशन करता है, जिसे हम कहते हैं पेरू करंट। क्या कहते हैं इसे? पेरू करंट, पेरू 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 करंट, ठीक है। अब ये पेरू करंट इस वाली जगह को पूरा ठंडा कर देता है, ठीक है, और यहां पर एक डेजर्ट बना देता है, आप इसे कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हो, यहां पर एंडीज माउंटेन होते हैं, ठीक है, एंडीज ही होते हैं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? गलत कह रहा तो भाई कमेंट सेक्शन में कर देना, क्योंकि मुझे याद है यहां पर भी एक माउंटेन होते हैं, ये कौन से होते हैं ये रख मेरे लिए क्लियर कर देना, पर माउंटेन होते हैं यहां पर, क्लियर है? चलो यहां तक की बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। चलो यहां से हम आगे चलते हैं, तो यहां से हम कहानी पर आते हैं, तो यहां से अगर आप यहां देखो इस पे आते हैं, आप देखो यहां से जब गर्म हवा चली तो ये यू आ गई, यहां से गर्म हवा चली तो ये यू बन गई, और यहां से जब गर्म हवा बनी तो ये अगुलस करंट बनी। अब अगुलस करंट को याद कैसे करें? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगुलस करंट को याद करने का मतलब है आग बबूला। अब आग से जब अफ्रीका के लोग जले तो काले हो गए, आग से जब अफ्रीका के लोग चले तो वो काले हो गए। भाई रेसिज्म कर, मतलब रेसिज्म नहीं कर रहा हूं मैं, याद कराने के लिए। तो आग से जले काले हो गए, इसलिए हो गया आग बबूला करंट, ठीक है। यहां पर एक और होता है मोजाम्बिक, यहां पर क्योंकि कंट्री का नाम है मोजाम्बिक इसलिए मोजाम्बिक करंट बोलते हैं। जब ये मोजाम्बिक करंट होता है ना, तो ये इससे टकराता है, किससे? बंगुला करंट से। बंगुला हमने बंगाल के लोगों से याद किया, बंगाल के लोग भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, वो भी जल गए, किससे? आग बुला करंट से। जब ये टकराया इससे तो क्या हुआ, ये बंगुला करंट मिला, ठीक है, और बेंगुला करंट ने इस वाले एरिया को एकदम सूखा कर दिया, क्योंकि ये कोल्ड करंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, अब यहां पर मैं आपका एक मिनट पॉज लूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो मेरी बात। यहां पर मैं देखो मैप में चेंज हो रहा है एकदम से, देख रहे हो? हाँ, मुझे ना यहां पर आपको एक बताई थी फॉकलैंड करंट, ये मैप में मिस हो गई थी, तो मैंने दूसरे मैप को थोड़ा एडिट कर दिया मैंने। तो यहां पर क्या आता है, नीचे से आती है एक करंट जिसे हम कहते हैं फॉकलैंड करंट, और वो ब्राजीलियन करंट से टकराता है। किससे टकराता है? ब्राजीलियन करंट से टकराता है, और ब्राजीलियन करंट से जब टकराता है तो यहां पर एक बहुत बड़ा फिशिंग जोन बन जाता है। क्या बन जाता है? फिशिंग जोन बन जाता है, क्योंकि ये हेड ऑन टकरा रहा है, हेड ऑन। जब भी कोई चीज हेड ऑन टकराएगी वहां फिशिंग जोन बन जाएगी। यहां पर ये हेड ऑन टकरा रहा था इसलिए ये फिशिंग जोन बना है, यहां पर जो करंट थी वो हेड ऑन नहीं टकरा रही थी इसलिए फिशिंग जोन नहीं बना। हेड ऑन टकराना है, हेड ऑन मतलब आमने सामने, एकदम आमने सामने, क्लियर है? एकदम आमने सामने कि भैया दो गाड़ियां टकराई तो एकदम आमने सामने टकराई, तिरछी विरछी नहीं, टेढ़ी वेढ़ी नहीं, एकदम आमने सामने, उसे कहते हैं हेड ऑन, क्लियर है? तो यहां पर दूसरा फिशिंग जोन कहां बन गया, आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है? चलिए यहां से हम जरा वापस चलते हैं जरा हमारी फोटो पे। ओके, अब एक गर्म हवा इधर की तरफ भी जाएगी, देखो जा रही है, इसे हम कह देते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना? क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। यहां से नीचे ठंडी हवा आती है उसे हम कहते हैं लेब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट याद रखिए, ई ग्रीनलैंड करंट याद करने की जरूरत नहीं है, लैब्राडोर याद रखें, आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, ठीक है? चलिए, तो यहां से लैब्राडोर करंट आती है। लैब्राडोर कुत्ते की एक प्रजाति का नाम भी होता है, और उस कुत्ते की प्रजाति की खास बात ये होती है वो ठंड में मिलता है, ठीक है? तो ये लैब्राडोर करंट गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, और गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, ये इससे लैब्राडोर करंट से टकराती है और दो हिस्सों में टूट जाती है, क्योंकि भैया इस लैंड मास से टकरा रही है, तो टूटने के बाद दोस्तों में तो जाएगी। भाई ये अगर मान लो मैं ऐसे बना दूं आपके सामने, देखो जरा मेरी बात ध्यान सुनो, ये रहा लैंड मास को ध्यान से देखो, ये कैसा लैंड मास है, ये लैंड मास कुछ ऐसा ऐसा टेढ़ा बेढ़ा। तो मैंने यहां पर एक ठंडी हवा डाली तो भाई कैसे टकराएगी, एक तो यूं टकराएगी और एक टकरा के यूं निकल जाएगी, दो हिस्सों में टूटेगी। देखो ऐसे ही ये यहां पर टूट रही है, ये यहां गई और एक यहां गई। जो नीचे वाली होती है उसे हम कहते हैं कैनरी करंट। क्या बोलते हैं? कैनरी करंट। और जो ऊपर वाली होती है इसको भी ब्लू कलर से ही मार्क कर लीजिए, कोल्ड करंट ही होती है, इसे कहते हैं नॉर्वेजियन करंट, क्योंकि ये नॉर्वे होता है। अब मैं आपको एक जादू वाली बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान सुनिए, बचपन से लेके आज तक आपने इस एरिया में समझा होगा, भाई जितनी ऊंचाई में जाएंगे उतनी ज्यादा बर्फ होगी। तो जब सर्दी आती है, दिसंबर का मंथ होता है, तो ये जगह पूरा बर्फ से ढका होता है, ये जगह पूरा बर्फ से ढका होता है। बट
ये जो हिस्सा है बर्फ से नहीं ढका होता। क्यों क्यों नहीं ढका होता, दोबारा बताता हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर एक नॉर्वेजियन करंट होती है, वो बारिश या बर्फ के गिरने को नहीं सपोर्ट करती, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है और यहां पर लोग एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं वेदर दिसंबर में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होने, क्लियर है। और इसी कारण से मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसी कारण से यहां पर आराम से सी पोर्ट 365 दिन चल जाता है, 365 डेज, क्लियर है। चलो सर ये बात तो मेरे को एकदम क्लियर हो गई, एकदम मजे मजे में। अब यहां पर मेरे को और बताना कुछ है क्या? हाँ, मुझे एक छोटी सी बात और बतानी है, मेरी बात ध्यान सुनो। अब देखो कुछ ठंडी हवाएं नीचे भी आती होंगी, ठीक है, सक्सेसफुली यहां तक इक्वेटर पे आ जाती होंगी, तो इसको हम कहते हैं इक्विटोरियल काउंटर। मतलब जो ये इक्विटोरियल काउंटर इस तरफ आ रही थी, इसके अपोजिट में ही आ रही है। ये बहुत बड़ी फोर्स नहीं होती, ये कुछ रोकती नहीं है, बट एक हवा होती है वहां पर, तो हमने आपको बताने के लिए कर दिया ये, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल काउंटर नाम की कोई चिड़िया होती है, चिड़िया मतलब हवा होती है, ठीक है ना। ओके, अब एक लास्ट फिशिंग जोन बचा है, मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर आप यहां ध्यान से देखिए, एक सर्कल सा बन गया है, इस सर्कल की वजह से मछलियां कहीं जा नहीं पा रही हैं, तो यहां पर भी एक फिशिंग जोन बनता है। और ये देखो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन, तो यहां पर भी एक फिशिंग जोन बनता है। तो ये आपको याद रखना होगा, एक फिशिंग जोन यहां पर बन रहा है, यहां पर क्यों बन रहा है, देखो हेड ऑन कोलिजन है, याद आ रहा है ना, ये दूसरे वाले में आप पे बताया था मैंने, और एक यहां पर बनना है। टोटल करंट की वजह से 1, 2, 3, और यहां पर ट्रैप हो गई है मछलियां, क्योंकि हर जगह हवा हवा घूम रही है चारों तरफ, तो ये चौथी जगह। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब समझ में आ गया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई जैसा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे, अनअकैडमी में मुझसे और अच्छे हैं। अभी एनडीए का प्राइस हाइक होने वाला है, सीडीएस का भी प्राइस हाइक होने वाला है, मेक श्योर आप अभी बाय कर लो 6 महीने 12 महीने का, ऐसे बेहतरीन टीचर आपको मिल जाएंगे, वहां पर पैसे बर्बाद नहीं होते। एकमात्र जगह जहां पैसे बर्बाद नहीं होते वो ये है। क्यों क्यों नहीं होते पैसे बर्बाद? क्योंकि यहां पर मान लो आपको एक टीचर पसंद आए, एक टीचर पसंद आए, कहां गए टीचर, भाग गए मेरे, हाँ एक टीचर पसंद आए, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, टीचर ही बदल दो, टीचर ही बदल दो, भाई ये टीचर नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये टीचर नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये टीचर नहीं चाहिए, ये चाहिए, सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, क्लियर है। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इस 6 मंथ को 12 महीने के प्राइस को बहुत कम करना चाहते हो, तो आप वाशने कूपन कोड लगाओ, गोल्ड कॉइन लगाओ, और यहां पर आपको मेगा डिस्काउंट मिल जाता है 20 से 25% अप्रॉक्स। और कई बार ये डिस्काउंट इतना भारी हो जाता है कि 12 महीने की चीज 6 महीने के दाम पे मिल जाती है, और ये अभी टाइम चल रहा है, ये अभी पीक टाइम है, एनडीए सीडीएस से पहले ही आप खरीद लीजिए, उसके बाद ये प्राइस हाइक कर देंगे। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं मैं एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्री में, एकदम फ्री में, एकदम फ्री में। कैसे पढ़ा रहा हूँ? टेलीग्राम पर। इस टेलीग्राम को अगर आपको सर्च करना है तो आप टेलीग्राम ऐप करो डाउनलोड, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके क्लिक कर सकते हो, या आप सिंपल गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर आप शुभम वार्ष्णेय टेलीग्राम डालिए, पूरी क्लास मिल जाएगी, और यहां पर हम ये सारे टॉपिक खत्म करेंगे। कब तक, कब तक खत्म करेंगे? अगले 6 दिन कहां पर बैठेंगे हमारे? अगले 6 दिन हमारे बैठेंगे 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। मैं 8 तारीख तक सारे खत्म कर दूंगा, एक दिन एक्स्ट्रा ले रहा हूं, पता लगा तुमने उन्हें कह दिया सर ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, तो 2-3 दिन तो चाहिए ना मेरे को एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक आध दिन तो एक्स्ट्रा चाहिए ना। चलिए यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई है। भैया मिठाई जरूर खिलाया करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो मिठाई नहीं खिलाते, फ्री में भी पढ़ना है मिठाई भी नहीं खिलानी। भाई मैं ना तो दिवाली पे मिठाई खाता हूँ ना होली पे खाता हूँ, मैं तुम्हारी मिठाई का इंतजार करता हूँ भैया, 2 बार CTS 2 बार NDA मिठाई खाऊंगा मैं, एक पैसा खर्च नहीं करता, तो मिठाई खिलाओ, समझ रहे मेरी बात। मेरा भैया नंबर भी तुम्हें मैं दे दे रहा हूँ, मेरा नंबर सुन लो, मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 9284443193। भैया व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना, मैं किसी का फोन नहीं उठाता, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ मैं, ठीक है ना। तो भैया मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 200 कॉल उठाना एक दिन में, तो व्हाट्सएप करा करो, व्हाट्सएप पे बातें करा करेंगे। चलिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे 9 बजे की क्लास पे, जो टेलीग्राम मतलब अनअकैडमी पे होगी, वहां पर हमारी मुलाकात होगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैं उनको रोज भेजता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।